झाबुआ कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा विकासखंड मेघनगर में कृषकों से चर्चा की गई। सर्वप्रथम ग्राम सजली के आशा जीव विविधता समूह की कृषक पुष्पा परमार द्वारा बताया गया कि आशा जीव विविधता समूह पिछले 4 वर्षों से बीज निर्माण का कार्य कर रहे हैं। समूह में कुल 13 महिलाएं हैं। हम सभी दिन में कृषि का कार्य करती हैं एवं शाम को 2 घंटे बीज बनाने का कार्य किया जाता है। महिलाओं ने कृषि में भिंडी, टमाटर एवं गिलकी की सब्जियां लगाई है। महिलाओं द्वारा चना, तुअर, मक्का के बीज बनाए एवं बेचे जाते हैं। समूह के महिलाएं जितने बीज लगाते हैं उससे 2 गुना परिणाम उन्हें प्राप्त होता है। इसी के साथ महिलाएं अब मसाले बनाने के बारे में सोच रही हैं। कलेक्टर सुश्री हुड्डा ने महिलाओं को NRLM से जुड़ने को कहा, जिससे उन्हें व्यवसाय बढ़ाने एवं शासन की योजनाओं से लाभ प्राप्त हो। इसी के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित किया गया। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। ये खाद तैयार हो गया। कितने हैं ये आपके पास? क्या चीज? बहुत सारे हैं। ये तो अपने आप अच्छा आप बनते रहते हैं। तो इसमें गोबर डालते हैं कुछ और डालते हैं? गोबर डालते हैं और ये जो पत्तियां झाड़ की पत्तियां हैं ठंडा होने के लिए और पानी छिड़क दें। इसको ढकते भी होंगे ना? हाँ ढकते हैं। फिर कितने दिन के लिए? ये करीब 2 महीने में तैयार हो गया। 2 महीने उसके बाद ऐसा हो जाता है? जो पौधे होते हैं पौधा होता है वो DAP यूरिया डालने के बजाय। तो ये पर्याप्त है आपके यहाँ पे? बहुत है। इतना कितना और पीछे साइड में केचुए बन रहे और ये बन रहे हमने डाल दिया और इतना और बचा। और भी हम बेचते भी हैं और भी ले जाते हैं। केचुए 300 रुपए केचुए ले जाते हैं केजी। हाँ केजी। और ये 10 रुपए किलो हाँ ले जाते हैं। खुद उपयोग भी करते हैं और दूसरे को बेचते हैं। तो लोगों को और प्रेरित भी करो, ये आपके यहाँ पे तो अच्छा है। अच्छा इसके साथ साथ एक नई विधि जो आई है गुजरात से, देसी गाय ये जो है लाल वाली जिसकी खाल नहीं रहती है उसका गोबर और उसका पेशाब और 1 किलो गुड़ और बेसन ये इसमें डाला और ये बन गया। हमने भी इसको उपयोग किया। ये बन गया जीवामृत। जीवामृत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।